हम करेंगे। मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। एकजुट जम्मू ने ठाना है मंदिरों को बजाना है। एकजुट जम्मू ने ठाना है मंदिरों को बजाना है। एकजुट जम्मू ने ठाना है मंदिरों को बजाना है। मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मंदिरों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंदिरों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंदिरों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंदिरों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। एकजुट जम्मू ने ठाना है मंदिरों को बचाना है। एकजुट जम्मू ने ठाना है मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मंदिरों पे रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मंदिरों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। अंकुर जी क्या कहेंगे एक बार फिर सिद्धरा में जो है वो मंदिरों को निशाना बनाया गया आखिरकार क्या कहेंगे? देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से जम्मू संभाग में मंदिरों पे हमले किए जा रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। और ये केवल एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, इसके पीछे की जो मंशा है, जो विचारधारा है, जो सोच है, वो ये कार्य कुछ लोगों से यहाँ पे करवा रही है। और एकजुट जम्मू के कई वर्षों से इस बात को उठाने के बावजूद भी सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। यहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन का, रेडिकलाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डकोर इस्लामिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से पनप रहा है, बढ़ रहा है, इस तरीके के इंसिडेंट्स अब यहाँ पे लगातार हुए। ये कई वर्ष पहले भी हमने सरकार को चेताया लेकिन सरकार ने कोई इस पे सीरियस कदम नहीं उठाए। जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। अब आज ये सरकार लोगों के प्रेशर में, लोगों के दबाव में किसी एक दो व्यक्ति पे एफआईआर लगा के उसको अरेस्ट कर लेगी और कह लेगी कि देखिए हमने इस कृत्य में एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को पकड़ लिया है। लेकिन इसके पीछे की जो सोच विचारधारा, इसके पीछे के जो फंडिंग मैकेनिज्म, इसके पीछे के जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशन, उनको कौन ध्वस्त करेगा? उनको तो आप पनपने दे रहे हैं। आज यहाँ आपकी जंगलात के लैंड्स पे, आपकी रिवर बेड्स पे, आपकी स्टेट लैंड्स पे एक जिहादी पूरा कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जहाँ पे बाहर से आके लोग रेडिकल इस्लाम को यहाँ पे प्रीच करके इस तरीके की घटनाएं करवाने के लिए कार्य करवाते हैं। मूर्तियों को तोड़ना आइडल ब्रेकिंग पनपने दे रहे हैं। आज यहाँ आपकी जंगलात के लैंड्स पे, आपकी रिवर बेड्स पे, आपकी स्टेट लैंड्स पे एक जिहादी पूरा कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जहाँ पे बाहर से आके लोग रेडिकल इस्लाम को यहाँ पे प्रीच करके इस तरीके की घटनाएं करवाने के लिए कार्य करवाते हैं। मूर्तियों को तोड़ना आइडल ब्रेकिंग जो प्रैक्टिस है एक्सक्लूसिव रिलीजन्स की, खासकर कट्टरवादी इस्लामिस्ट की, उसका एक परिचायक है। ये केवल एक घटना नहीं है, ये एक आघात है, आघात है हमारे धर्म पे, हमारी आस्था पे। और आज मुझे देख के बहुत अचंभा हो रहा है कि यहाँ की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, या उनका पूरा परिवार हो, किसी को शर्म नहीं आ रही है, किसी के अंदर से आवाज नहीं उठ रही है कि आज हमारे जम्मू पे, हमारी आस्था पे, हमारे स्वाभिमान पे, हमारे सम्मान पे, हमारे देवी देवताओं पे आघात हो रहा है और आप आगे इस बात का विरोध करें। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से इस्लामिक अपीजमेंट करने में लगी हुई है, जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा को यहाँ पे पंगू बनाने में लगी हुई है, जिस तरीके से यहाँ का स्टेट अपरेटस इस तरीके के घिनौने कृत्यों को, ब्रशिंग अंडर द कारपेट, पर्दा डालना, ऊपर कवर करना, लोग ज्यादा इसके बारे में बात ना करें, बोले ना, वैसा करने का काम कर रही है, मुझे लगता है कि परिस्थिति बहुत गंभीर हो रही है। ऑलरेडी जम्मू प्रोविंस एज अ होल इज गोइंग द सेम वे जिस तरीके से 1990 के दशक में कश्मीर गया था। आज कश्मीर की मस्जिदों में वो नारे लग रहे हैं जो 1990s में लगते थे, उसकी रेप्लिकेशन, उसकी मैनिफेस्टेशन आज आपको जम्मू सिटी तक क्षेत्रों में दिखने को मिल रही है। ये कैसे हो सकता है कि हमारे पूरे जम्मू संभाग के कुल देवता की मूर्तियों को तोड़ने का साहस कोई व्यक्ति कर सके? क्या केवल वो एक व्यक्ति है जिसने ये साहस किया है या उसके पीछे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है? आप देखते नहीं है कि बठिंडी, सिदड़ा, रंगूड़ा, कल ही मैं एक हाईकोर्ट में एक केस प्लीड कर रहा था जहां पे 4,500 कनाल, ये बठिंडी, सिदड़ा, रंगूड़ा जेडीए ने आज से 20-22 वर्ष पहले यहां के लोगों से अधिग्रहित की थी, एक्वायर की थी,
और आरटीआई में जब जवाब मांगा, मैं कागजात देख रहा था कोर्ट में बैठे हुए, और उसमें जेडीआर यहाँ का तंत्र ये कहता है कि 4,500 कनाल जमीन पे जो हमने जम्मू संभाग के लोगों के लिए घर बनाने के लिए अधिकृत की थी, एक्वायर की थी, उस पे कश्मीर से आए हुए लोगों का कब्जा हो गया है। कब्जे का एक्सटेंट जो है वो हम आपको नहीं बता सकते। कारण ये है कि जब भी जेडीए या पुलिस के अधिकारी वहां पे जाते हैं तो उन्हें जूते खा के वहां से वापस आना पड़ता है, उनके ऊपर अटैक्स होते हैं। ये लिखी हुई बात कि रेवेन्यू स्टाफ के ऊपर हमले किए जाते हैं, इसलिए हम नहीं बता सकते कि 4,500 कनाल में से कितनी जमीन पे इल्लीगल कब्जा है। तो ये परिस्थिति ऐसी बन रही है जो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह काम कर रही है, और साथ ही में रोहिंग्याज और बांग्लादेशी इस तरीके के सेंसिटिव एरियाज में सरकार के द्वारा स्वयं बसाने का काम किया जाता है, प्रेशर बनता है। तो ये हीरानगर जब एक वीडियो वायरल होती है बठिंडी से, जहाँ पर हिंदुओं की बेटियों के साथ बलात्कार करने के लिए ओपन कहा जाता है, लेकिन इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुई जहाँ पर ऐसी कार्रवाई हुई थी, वो कार्रवाई जो है वो इस वीडियो के बाद देखने को नहीं मिली। क्या लगता है कि एक समुदाय विशेष को जो है वो बचाने का प्रयास किया जाता है? मैं तो कहता ही हूँ कि इनका दोगला चेहरा है, मुस्लिम अपीजमेंट इज द राइट वर्ड, और अपीजमेंट में भी करते 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 स्तर ये पहुँच गया है कि आपका अंदर का सरकारी तंत्र टोटल पंगू हो चुका है। हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में क्या पूरे भारतवर्ष में जो स्टेट है, इंडियन स्टेट, जिसमें सरकार भी एक हिस्सा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी एक हिस्सा है, पुलिस भी एक हिस्सा है, ये तो राष्ट्र के विरोध में खड़ा होकर काम कर रही है। इंडियन स्टेट या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज होस्टाइल टू द इंडियन नेशन। ये राष्ट्र सभ्यता के जो कोर इंटरेस्ट हैं उन्हें इरोड करने का काम करती है। जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा होगा कि अलगाववादियों को मजबूत किया जाता है पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, और जो राष्ट्र के साथ लोग खड़े हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, उन्हें कमजोर किया जाता है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली। डिलिमिटेशन में भी आपने देख लिया, उठा के गलत आधार बना के फ्रॉड फज एंटी जम्मू सेंसिस के आधार पे सत्ता दे दी हाफ अलगाववादियों को, अधिक सीट्स दे दी। कहां जम्मू को 50 सीट्स मिलनी थी 43 में सीमित कर दिया। नाउ हैविंग सेड दैट, आपने जिस बठिंडी के इंसिडेंट का जिक्र किया और उससे पहले उस इंसिडेंट का जिक्र किया जहां पे किसी से बातचीत करते हुए मीडिया के कर्मचारी को उठा लिया गया था कि भाई जिसने कोई बात बोली है वो बहुत खतरनाक बात है। तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। मुझे लगता है कि इस समय जरूरत है, मीडिया के बंधुओं से भी मैं निवेदन करूंगा कि लोगों को जगाएं इस दोहरे मापदंड के प्रति, सरकार के, पुलिस के, एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेक्टिव कार्रवाई, और ये डरपोक और पंगू जो तंत्र बना हुआ है इसको झकझोरने का कार्य करे। नहीं तो ये इस तरीके के इंसिडेंट्स लगातार होते रहेंगे। आज आपके मंदिरों पे हमला हो रहा है, इससे पहले आपकी जमीनों पे कब्जा हुआ, आपके माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के जो राइट्स हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, हिंदुओं के, सिखों के, जैनों के, बौद्धों के, उन्हें उठा के कश्मीर रैली में दिया जा रहा है इल्लीगली, वो तो चल ही रहा है। आगे तो आप पे फिजिकल हमले होना जो है वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होगा। इसी तरीके से ये जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट रहा तो फिजिकल वायलेंस यहाँ के लोगों के खिलाफ कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये भी फिजिकल वायलेंस है जो मूर्ति भंजन का कार्य किया, हिंदुओं के मंदिरों पे हमला करने का काम किया, ये फिजिकल वायलेंस से कम नहीं है। लोग घर में बैठ के अगर सोच रहे होंगे कि मेरे घर की मूर्ति नहीं टूटी है या मेरे घर पे हमला नहीं हुआ है, तो उससे बड़ी मूर्खता की एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकती। ये एक एक व्यक्ति के मुंह पे तमाचा है जम्मू संभाग में जो व्यक्ति रह रहा है इस तरीके के कृत्य, और इतना इनसेंसिटिव और दोहरा मापदंड, डबल कैरेक्टर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर पूरी गवर्नमेंट हो, उसका मुझे लगता है कि उभर के सामने आया कि हमें देख के भी शर्म आती है, हमें समझ नहीं आता कि किस तरीके से इतना ब्लेटेंट सरकारी तंत्र देशवासियों के खिलाफ करता है। तो ये हीरानगर में 10-20-50 लोगों को पकड़ कर रख देते हैं और मीडिया में धंधा पीटते हैं, अपना ढोल पीटते हैं कि देखिए कितना बड़ा हमने कार्य कर दिया। मैं फिर से ये कह रहा हूँ, ये सिदड़ा में जो हुआ है, ये जो मंदिरों पे, ये जो मूर्तियों को तोड़ने का काम हुआ है, हमला हुआ है, ये एक जेनोसाइडल एक्ट है। ये एक एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट की एक सुनियोजित, एक प्लानिंग के तहत किया गया कार्य है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट है। जम्मू कश्मीर की पुलिस, यहाँ के डीजीपी और जम्मू के एसएसपी लोगों को ये बताने का प्रयास ना करें कि एक क्राइम हो गया है, उसमें एक एफआईआर लग गई है, दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है। इसके पीछे जो बठिंडी सिदड़ा में घुसे हुए सारे इल्लीगल इंस्टीट्यूशन ऑफ रेडिकलाइजेशन है, जब तक उनको तोड़ने का, ध्वस्त करने का काम यहाँ की पुलिस नहीं करेगी, एकजुट जम्मू इस प्रदर्शन को और उग्र करेगा। ये हमारे सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। ये जम्मू पे केवल मंदिर पे हमला नहीं है, ये पूरे जम्मू संभाग के अस्तित्व पे हमला है। ये अस्तित्व पे भी हमला नहीं है, पूरे हिंदू समाज के अस्तित्व पे हमला है, समाज के अस्तित्व पे हमला है, और ऐसी विचारधारा का हमला है
जो मंदिरों को तोड़ने में विश्वास रखती है, जो मूर्ति भंजन करने में विश्वास रखती है। कल जामिया मस्जिद में भी एक बार फिर से आजादी के नारे लगे हैं, और सांबा और बांग्ला अगर जिक्र करते हैं तो बांग्लादेश से भी वहां पर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आप किस तरह से देखते हैं सांबा और बड़ी ब्रह्मा इलाके के अंदर ये ऐसी गतिविधियों का देखना, और प्रधानमंत्री का 24 तारीख को वहां पर दौरा होना, उससे पहले 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करना, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, जहां पे इस विषय को लेके हम कितने वर्षों से कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि आपका जम्मू आपके हाथ से जाएगा, आपका कश्मीर आपके हाथ से गया, वहां हिंदुओं का नरसंहार हुआ, अब हिंदुओं के नरसंहार की शुरुआत जम्मू संभाग में भी शुरू हो चुकी है। आपने कहा कि आपको यहां पे रेडिकल एलिमेंट्स मिलेंगे, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1000 से अधिक ओवरग्राउंड वर्कर्स जम्मू सिटी और आसपास में हैं, जो पुलिस के रिकॉर्ड में कार्रवाई नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट करनी है, कार्रवाई नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि सरकार का सरकारी तंत्र अंदर से पंगू है, अंदर से पंगू होने के कारण इस तरीके की गतिविधियों पे कोई कार्रवाई करना इनकी सोच और कॉम्प्रहेंशन से परे की बात है। यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार का केवल एक कार्य रह गया है, यार 25 लोग मारे आतंकवादियों ने तो 4 आतंकवादियों को मार दो, और 25 से अधिक मारे तो 10 आतंकवादियों को मार दो। 20-25 के बीच में हत्याएं होती रही तो ठीक है, नॉर्मल है, आतंकवाद खत्म हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जिहाद को जो जम्मू कश्मीर की असल समस्या है उसको इतने संकीर्ण ढंग से देखना एक ऐसा घिनौना कृत्य है सरकार का, जिसके परिणाम यहाँ की जनता को, यहाँ के माइनॉरिटीज को, हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को कई दशकों से भोगने पड़ रहे हैं।